Hello students, today I am going to discuss a very important topic, effective nuclear charge. Normally स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों हैं डिफरेंट चीज़। तो उनमें क्या डिफरेंस है, इसको कैसे देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद हैं उसकी वजह से जो चार्ज है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इसको जेड से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और ये होता है द चार्ज of protons present inside the nucleus. Nucleus में जितने प्रोटॉन मौजूद हैं उनकी वजह से जो चार्ज है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जो वैलेंस शेल का एलिमेंट है, जैसे ये यहाँ पर एटम्स हैं, एटम के अंदर ये शेल्स बने हुए हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये सोडियम का एक केस ले लेते हैं, पहले वाले शेल में दो होते हैं, दूसरे में आठ, तीसरे में ये एक होता है। तो ये जो एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर टोटल जो प्रोटॉन मौजूद होंगे वो 11 होंगे, यानी कि जो जेड की वैल्यू यहाँ पर है वो 11 है। लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये 100% इन प्रोटॉन्स की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, ये 11 के 11 प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा। आप एक बात समझिए, मान लिया जाए यहाँ पर ऐसे करके इधर इस घर पर एक ऐसे ये मोहल्ला है, और यहाँ पर एक लड़की रहती है ना, सुंदर सी लड़की रहती है ऐसे करके, और यहाँ पर ये एक घर ये है, और इससे लगा हुआ एक घर और एक और है यहाँ पर, और एक और ये घर है, और यहाँ पर एक लड़का है, और ये इसको अपने आराम से देखता है, इसका पूरा दीदार करता है, बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला है भी नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पर अट्रैक्शन महसूस करता है। अगर इससे ठीक पहले घर वाले लड़के को ये पता चल जाएगा ऐसा हिसाब किताब है, और वो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ छत पर ऐसे करके कर्टेन डाल दे, तार होती है कपड़े सुखाने वाली, वहाँ पर कर्टेन डाल दे, तो अब इस लड़के को, इस लड़की का 100% दीदार तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम ही होगा ना, चूँकि इसने थोड़ा बहुत इसको ढक लिया, भाई लड़का यहाँ अपने आराम से बैठ के इसको आराम से दीदार कर रहा है, इसको उतना देखने को मिल ही नहीं रहा। इससे ठीक पहले वाले घर में भी अगर ऐसा हो जाए, वो भी कर्टेन डाल दे और ऐसे करके यहाँ पे अपने आराम से देखे, तो इन दोनों का तो बहुत बुरा हाल होगा, और इस वाले का तो बहुत ही बुरा हाल होगा। ये तो बिल्कुल ही, इसके लिए तो इसको देखना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, क्योंकि इन लोगों ने अंदर इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया है। लड़की यहाँ पर है, ये कभी कभी जब दोनों चादर एक साथ उड़ेंगे तो हल्का फुल्का हो सकता है दिखाई दे दे, लेकिन उतना अट्रैक्शन महसूस नहीं कर पाएगा जितना कि ये पहले वाले केस में कर रहा था जब दोनों लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एग्जैक्टली यही यहाँ पर हो रहा है। अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 100% 11 प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन महसूस करता है, लेकिन चूँकि अंदर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर आठ होंगे दूसरे वाले शेल में, ऐसे करके आठ होंगे पूरा बनाएंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को पूरी तरह से अट्रैक्शन नहीं करने देंगे, क्योंकि इन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने इस न्यूक्लियस को स्क्रीन कर दिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि इन लड़कों ने इस लड़के के लिए इस लड़की को देखना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनिंग कर दी है। तो इस स्क्रीनिंग की वजह से इस लड़के को अभी लड़की थोड़ा कम दिखाई देती है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन अब इन प्रोटॉन के साथ थोड़ा कम अट्रैक्शन महसूस कर पाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, एंड द चार्ज विच इज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ENC विच इज इक्वल टू जेड, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी, माइनस सिग्मा। सिग्मा का मतलब स्क्रीनिंग घटानी पड़ेगी आपको, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। ये स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट कहलाता है, मतलब ये हुआ, ये है ENC और ये है NC, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं उसको न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे,
और जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन एग्जैक्टली फील कर रहा है, थोड़ा सा कम फील कर रहा होगा क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को कवर कर दिया होगा, तो थोड़ा सा कम अट्रैक्शन महसूस कर रहा होगा। एंड दैट अट्रैक्शन विच इज़ एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर पूरा का पूरा पीरियोडिक चैप्टर ही ENC के बेस पे पढ़ा जाता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC को अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ऐसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर हम किसी पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो पीरियड के अलॉन्ग मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जबकि अगर हम अलॉन्ग अ ग्रुप मूव करते हैं ऊपर से नीचे तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये जो बात है यहाँ पर ENC का जो वेरिएशन दिखाया गया है ये कैसे आया है, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसको कैलकुलेट करते हैं स्लेटर्स रूल से, तो स्लेटर्स ने यहाँ पर इसको करके दिखाया है। तो स्लेटर्स ने यहाँ पर एक आपको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है सिग्मा निकालने के लिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth यानी कि सबसे भार वाले शेल में s या p सब शेल में है तो उस वक्त सिग्मा की जो वैल्यू होती है 0.35 होती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन d एंड f में है और सबसे भार वाले शेल में है तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है 0.35 होती है। इस तरह से डेटा दे रखा है, अंदर के शेल्स में है s और p में इलेक्ट्रॉन है और अंदर के शेल में है जस्ट पेनल्टी मेट शेल में है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0.85 होगी, और अंदर के जितने भी शेल्स होंगे उन सब के लिए वैल्यू 1 होगी। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। सोडियम है, मुझे सोडियम के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सोडियम का Z 11 हो गया, मैंने इसका कॉन्फिगरेशन लिखा है यहाँ पर। तो सबसे बाहर वाला शेल ये है, ये nth हुआ, उससे अंदर वाला ये N-1, उससे अंदर वाला N-2। अब सिग्मा निकालते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन विल फील रिपल्शन फ्रॉम द रेस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द शेल्स। ये फाइनली अल्टीमेट शेल का इलेक्ट्रॉन ये है, बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे, इसको न्यूक्लियस को पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं करने देंगे। तो वो कितना स्क्रीनिंग महसूस करेगा, वो स्क्रीनिंग निकालने का तरीका ये रहा सिग्मा। इस इलेक्ट्रॉन को मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर तो मैं निकालूंगा बाकी 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो बाकी के जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें निकालिए। ये 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, N-1 में है, ये रहा N-1, S और P में वैल्यू होती है 0.85, तो 8 × 0.85, ये उससे भी अंदर वाले N-2 में है, N-2, S एंड P के लिए वैल्यू 1 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 8.8 आ गया। जेड स्टार निकालना हो जेड माइनस सिग्मा करेंगे, जेड की वैल्यू 11 है, उसमें से सिग्मा घटाया तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो 2.2 है। ध्यान रहे सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 है, लेकिन जो सबसे बाहर वाले शेल का जो इलेक्ट्रॉन था उसने पूरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह 11 प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन महसूस नहीं किया है, उसने अट्रैक्शन महसूस किया सिर्फ 2.2 प्रोटॉन्स की वजह से। पोटेशियम में दोबारा निकाल के देखते हैं, जेड बराबर 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखा NH शेल में, इस पर तो मैं निकालूंगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस 19वें इलेक्ट्रॉन पे बाकी 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैं यहाँ पर अट्रैक्शन स्क्रीनिंग निकालूंगा कितनी आई है। तो सिग्मा फिर वही, ये रहा यहाँ पर N-1, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 × 8.85 N-1 पर, फिर ये रहे N-2, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल और इनके लिए वैल्यू होती है यहाँ पर 1.175 किया, ये और अंदर आ जाइए N-3 एस एंड पी में N-2 N-3 सबके लिए की वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई किया सॉल्व करा 16.8 आया, जेड स्टार की वैल्यू 19 − 16.8 अगेन 2.2 आ गई। आप देखिए सोडियम के लिए वैल्यू भी 2.2 आई, पोटेशियम के लिए वैल्यू भी 2.2 आई। अगर अभी आप आगे और सॉल्व करेंगे, अगर आप पोटेशियम के नीचे आता है रुबिडियम, अगर इसके लिए सॉल्व करेंगे इसके लिए भी वैल्यू 2.2 आएगी, अगर आप सीजियम के लिए सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी वैल्यू 2.2 आएगी। इसीलिए ऊपर से नीचे आते हुए जो सिग्मा की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। आपके मन में आ सकता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट क्यों लिखा है, तो उसने लिखा है क्योंकि लिथियम और सोडियम की वैल्यू बराबर नहीं आने वाली है, जब आप लिथियम का निकालेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वो 2.2 नहीं आता है। तो सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते वक्त थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी पीरियड के लिए एक जैसी वैल्यू आती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट कांस्टेंट लिखा है। मैग्नीशियम का केस भी देख लीजिए, Z = 12 है,
यहाँ पर ये 1s2 2s2 कॉन्फिगरेशन लिखा है। अब यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन जो 12वां है उसके ऊपर बाकी 11 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन निकालूंगा। तो ये 3s2 में से ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर ये s1 था तो मैंने उसको छोड़ दिया, यहाँ भी छोड़ दिया, यहाँ पर दो हैं, इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, एक इलेक्ट्रॉन पर बाकी 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये NH शेल में दो में से एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूंगा क्योंकि बाकी जो 12वां इलेक्ट्रॉन है उस पर तो मुझे रिपल्शन निकालना ही है। तो ये रहा 1 NH पे जो वैल्यू है SNP की 0.35, बाकी रेस्ट वैल्यूज वही हैं जो पर रखी थी। सॉल्व किया तो वैल्यू आई 9.15। जेड स्टार निकालूंगा, 12 माइनस सिग्मा करूंगा, 2.85 आया। यहाँ बड़ा मज़ेदार बात यह है कि आप अगर देखें तो सोडियम की जो वैल्यू थी वो 2.2 थी, मैग्नीशियम की वैल्यू 2.85 आई, आप आगे एल्युमिनियम को सॉल्व करेंगे 3.5 आएगा। फिर से देखिए क्या बताना चाह रहा हूँ, सोडियम की वैल्यू थी 2.2, मैग्नीशियम की वैल्यू आई है 2.85, एल्युमिनियम की वैल्यू आई है 3.5, जबकि इन सब की यहाँ पर 2.2 थी। तो वही मैं भी आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ पीरियड बढ़ता है जो कि यहाँ बढ़ रहा है, जबकि अलोंग अ ग्रुप वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कॉन्स्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।